आइए आज हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरण तहसील में स्थित भादरिया गांव। रेत के ढोरों के बीच बसा राजस्थान का जैसलमेर अनेक संघर्षों और वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। पोखरण थार का नाम आता है तो स्वतः ही दिमाग में रेगिस्तान व रेत के टीलों का दृश्य बनने लगता है। ऐसे तो जैसलमेर एक पर्यटक स्थल है, आइए अब हम आपको इस रेगिस्तान में दिखाते हैं प्रसिद्ध भादरिया माता मंदिर। यह मंदिर भारत पाक सीमा पर स्थित है। यह मंदिर जैसलमेर से करीब 80 किलोमीटर जोधपुर रोड पर धोलिया ग्राम से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर है। यह माता का मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र है। कई समाजों में कई परिवारों में माता को कुल देवी के रूप में पूजते हैं। नवरात्रा के दौरान माता के इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ पर माता जी के दूर दूर से श्रद्धालुगण आते हैं और माता जी के दर्शन करते हैं। माता के इस दरबार में जब किसी की शादी होती है तो वह गढ़ जोड़े के साथ माता के दर्शन को आते हैं और बच्चा होने पर जड़ूला भी चढ़ाते हैं। घर में मांगलिक कार्य होने पर माता को पहले पूजा जाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 1100 साल से अधिक पुराना है। हरियाणा के प्रसिद्ध संत हरवंश सिंह निर्मल ने गौवंश की तस्करी रोकने का जिम्मा उठाया और भादरिया में स्थित माता के इस मंदिर में ही रुक गए। उन्होंने यहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, साथ ही गौवंश के लिए गौशाला की स्थापना की। इसी के चलते उन्हें भादरिया महाराज की ख्याति प्राप्त हुई। यहाँ आने वाले श्रद्धालु माता जी के दर्शन के बाद समाधि के भी दर्शन करते हैं। ये समाधि यहाँ पर भादरिया महाराज आए थे, वो इस मंदिर पर ही रहते थे। तकरीबन 50 वर्ष तक भादरिया महाराज ने यहाँ पर मंदिर पर वो रहे और उन्होंने यहाँ पर तपस्या की और महाराज के प्रयासों से ही ये सब कुछ डेवलपमेंट हुआ है। गौशाला है तो लाइब्रेरी है तो सब उनकी, उन्होंने 2010 में यहाँ पर समाधि ली थी और उनकी समाधि है यहाँ। यह मंदिर एक टीले पर नागर शैली से बना है। कहा जाता है कि माँ भादरिया हिंगलाज माता का अवतार है। माता की कुल 7 बहनें थीं। इनके मंदिर राजस्थान में आसपास ही हैं। सबसे बड़ी बहन तन्नोट माता हैं और यह मंदिर चमत्कारों के लिए काफी प्रसिद्ध है। माता जी के अन्य बहनों के नाम घंटियाली, काले डूंगर, देगराय, तमडेराय तथा नागणी जी बताते हैं। आइए अब हम जानते हैं मंदिर के बारे में नंद किशोर शर्मा से। ये मंदिर स्वांग्या माता जी का है। इस मंदिर का निर्माण गसिंह जी महाराजा आज से तकरीबन 200 वर्ष पूर्व उन्होंने इसका करवाया था और ये भाटी वंश की कुल देवी कहलाती है। और भाटी लोग सब इनके यहाँ पर जब शादी होती है या बच्चे का मुंडन कार्यक्रम होता है तो भाटियों की सब यहीं लगती है पहली। इसका मेला साल में 4 लगते हैं जी। फर्स्ट लगता है चैत्र नवरात्रा, दूसरा लगता है भादवा, तीसरा लगता है आश्वन नवरात्रा और चौथा लगता है माघ में। चारों में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और भाटी भी आते हैं, अदर पूरे भारत से भी लोग श्रद्धालु लोग आते रहते हैं जी। यात्रियों के लिए यहाँ पर सब सुविधा है, रहने के लिए धर्मशाला है, खाने के लिए रसोड़ा है मंदिर की ओर से और सब सुविधा है यहाँ पर मंदिर की ओर से। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, आपको हमारे चैनल में कई धार्मिक स्थानों की जानकारी मिलती रहेगी। माता जी के मंदिर में आपको अखंड ज्योति के भी दर्शन होंगे। अब आप देखिए श्रद्धालुगण माता के मंदिर में किस तरह से आनंद ले रहे हैं।
जब श्रद्धालु माता जी के आते हैं तो चार परिक्रमा भी लगाते हैं। माता जी के मंदिर के पीछे ही जूनी जाल के दर्शन होते हैं। बताया जाता है कि यह कई वर्ष पुराना वृक्ष है। यह जो आप देख रहे हो यह निर्मल ज्योति संग्रहालय है। यह जो आप देख रहे हो यह भादरिया महाराज की गुफा है। जब आप माता जी के मंदिर में आओगे तो आपको एक ज्ञान का अथाह भंडार भी देखने को मिलेगा। इस ज्ञान के भंडार को आप देखोगे तो अचरज से आंखें खुली की खुली रह जाएगी। इसकी सबसे रोचक बात यह है कि यह लाइब्रेरी जमीन के सतह के 16 फुट नीचे अंडरग्राउंड में बनी हुई है। वर्तमान में इस लाइब्रेरी के कुल 9 लाख से भी अधिक पुस्तकों का संग्रह है। इस लाइब्रेरी में 562 अलमारियां, 1600 रैक तथा 18 कमरे हैं। इस लाइब्रेरी का संग्रह संत भादरिया महाराज द्वारा किया गया। इस लाइब्रेरी में 7 धर्मों का पूरा साहित्य मौजूद है। इसके साथ ही वेदों की संपूर्ण श्रृंखलाएं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसको भादरिया महाराज ने 1984 में इसका निर्माण शुरू करवाया था और अब बहुत बड़ी यहाँ पर एक पुस्तकालय भवन है जिसमें धार्मिक राजनीतिक लॉ सब पुस्तकें हैं यहाँ पर मिल है। और लाइब्रेरी 48,000 वर्ग फीट में ये फैली हुई है।